नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने ये दो लोग लेटे हुए हैं, इनको बहुत तगड़ी चोट मारी गई है। ये रामनगर बाटा रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, सेक्टर 11 पुलिस चौकी क्षेत्र है। हम इनसे बातचीत करते हैं किन लोगों ने इन पर हमला किया, एक एक से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सर विनोद कुमार नाम है। विनोद कुमार जी सर। और ये जो लेटे हुए हैं इनका क्या नाम है? ये हमारे पिताजी हैं, प्रीतम सिंह। क्या नाम है? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह, आपको चोट कैसे लगी? सर ये हम अभी सेक्टर 11 के लिए निकल रहे थे। आप कहाँ रहते हैं पहले? ये सर रामनगर कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, हमारे सामने एक खाली प्लॉट है, उसमें कूड़ा डालने के लिए हम मना करते हैं, उसके लिए हमने मना किया था। अच्छा, किसको मना किया था? ये सर अड़ोसी पड़ोसी सबको। अच्छा, कोई नाम वगैरह है? ये सर ये चंदर है, वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, और भूरी सिंह है। और इन लोगों सर हमने मना किया था। अच्छा, क्या आप लोग भाई इसमें कूड़ा डालिए, बरसात का मौसम है, गंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बदबू आती है सामने है हमारे। इन लोगों ने कहा हम तो ऐसे ही कूड़ा डालेंगे। अच्छा, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, आप जो हो वो कर लेना आप। हमने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मान जाएंगे हमने सोचा। शाम को इन लोगों ने आकर के दारू पी करके, अच्छा, 8-10 लोगों ने हमारे घर पे हमला किया सर। गेट वेट तोड़ दिया। अच्छा, और अंदर LCD वगैरह सब तोड़ दिया सर हमारा। अच्छा, घर में घुस गए? घर में घुस गए सर, गेट तोड़ दिया। रात को वीडियो वगैरह है उसकी आपके पास? जी सर। सर 112 को कॉल किए थे हम। अच्छा, वो वीडियो बना के ले गए उसका। अच्छा, 112 पे आपने फोन किया जी था। पुलिस आई थी जी सर। उसके बाद क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने सेक्टर 11 ASI को फोन किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, आप इस केस को हैंडल करिए। बिल्कुल, वहाँ से एक सिपाही आया सर, और वो देख करके पूरा हमको बोले आप के वहाँ आ जाइए आप चौकी। और एक लोग वहीं उन्हीं के सामने गाली गलौज कर रहा था दारू पी करके, उनको वो पकड़ के ले गए सर। अच्छा, हम फिर चौकी गए सर रात को, 2 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, 1 बजे हम रिपोर्ट कर लिखा करके सर आए वापस। रात को हम उन्हीं के ASI के सामने, एक उनके पिताजी थे वो हमको धमकी दे रहे थे। अच्छा, क्या धमकी दे रहे थे? कह रहे थे अभी तुम रिपोर्ट लिखा दो, हम तुम्हें सुबह देखेंगे घर पे। अच्छा, हाँ सर, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला। और सुबह जैसे 7 बजे के आसपास फिर वो दोबारा से आए, हमारे घर पे हमला किया सर, चंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह। अच्छा, और पूरा गेट वेट तोड़ दिया, उसका वीडियो हमारे पास में है सर पूरा। अच्छा अच्छा, और हमने फिर सेक्टर 11 फोन किया, उन्होंने वो हमारे फिर दोबारा घर पहुँचे। अच्छा, उन्होंने बोला कि ऐसा है आप चौकी आ जाइए। हम घर से चौकी जाने के लिए निकले, बाटा फ्लाई ओवर के नीचे। अच्छा, 8-10 लोगों ने हमको बाइक पर पकड़ लिया सर। अच्छा, बाइक भी तोड़ी हमारी, और हमको सर बहुत बुरी तरह पीटा है। आपके पिताजी भी साथ थे? पिताजी भी साथ थे सर। अच्छा, दोनों को बुरी तरह? दोनों को बुरी तरह पीटा है सर। अच्छा, एक मिनट दिखा देते हैं जी। देखिए सर, हमारा हर जगह इनको पीटा गया सर, बहुत बुरी तरह, में हाथ में, ये हाथ में क्या फ्रैक्चर वगैरह? फ्रैक्चर हो गया सर मेरे हाथ में। सर में टांके आए 10-12 कम से कम। 10-12 टांके आए सर, पैरों में, पैर में भी चोट है सर पूरा। ये इनके पिताजी जो प्रीतम सिंह है उनको भी चोट है बहुत बुरी तरह से, और ये कंधे। अच्छा, और सर हम 35 मिनट पुलिस चौकी में पड़े रहे, हम वहाँ से कोई भी सिपाही साथ में नहीं आया। अच्छा, हमने उनको बोला सर अगर बीके जाते हुए उन्होंने हमें पकड़ लिया तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? बोले कोई, आप जाइए, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसे करके हमको उन्होंने छोड़ दिया। कह रहे हमारे पास कोई गाड़ी? खुद से आए अपना मेडिकल कराने, ट्रीटमेंट कराने के लिए? जी सर, हम आए हैं स्वयं अपनी गाड़ी से जी सर। आप खुद से आए हैं जी सर? पुलिसकर्मी साथ में नहीं आया सर। तो आप क्या मांग है पुलिस से, प्रशासन से? सर हमारी मांग यही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आगे से हमारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि सर पड़ोस में रहते हैं? सर पड़ोस में रहते हैं सब, वही। अच्छा, गली में। कितने लोगों को आप जानते हैं? सर उसमें से 4-5 लोगों को हम जानते हैं। अच्छा, बाकी कितने लोग थे? 10-12 लोग थे सर। बाहर से बुलाए थे? सर उन्होंने बाहर से बुलाया, उनके कुछ रिलेशन में है। अच्छा अच्छा जी सर, बाहर से भी गुंडे बुलाए गए जी सर, देख सकते हैं बहुत बुरी तरह इनको चोट है। और इनसे बातचीत करते हैं, पिताजी हैं, इनको भी बुरी तरह चोट है। सर आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह सर। प्रीतम सिंह, हाँ जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से? बस यही है सर, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और हमें न्याय मिलना चाहिए सर, हमारा रहना दुर्लभ कर रखा है उन्होंने। अगर शाम को ही कड़ी कार्रवाई हो जाती, सुबह आप पे हमला नहीं होता सर? अच्छा, और सुबह भी पुलिस आई थी तो वो हमें ये कही चली गई तुम 11 सेक्टर आ जाओ, जब सुबह भी उन्होंने हमला किया है, हमारा गेट तोड़ रहा है। बिल्कुल, और वो वीडियो भी ले गए उसका बना के नहीं है। और फिर हमें 11 सेक्टर बुला गए, तो फिर हम 11 सेक्टर गए तो बाटा पुल के नीचे पकड़ाया हमें।
अच्छा हमें दिख गए दूर से, तो बाइक गिरा के हम भागे तो रास्ता में हम पे लठ बजे, फिर लड़का गिर गया, फिर लड़का ऊपर लेटा हो तो मेरे में ये लठ मारे यहाँ पे, और मेरे बेटे में 50 लठ मारे हैं उन्होंने। मतलब पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उनका जो पुलिस से डरे नहीं, यहाँ पे दोबारा हमला कर दिया है। बहुत बुलंद हौसला है जी उनका, बुलंद हौसला आप लोग देख सकते हैं। पुलिस में इन्होंने शाम को ही शिकायत की, पुलिस आई, एक को अरेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद भी उनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है, उन्होंने दोबारा सुबह इनको पकड़ कर रास्ते में हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह इनको मारा है। हाथों में फ्रैक्चर है, सर में टांके हैं, इनके भी सर में, इनके भी पैरों में काफ़ी चोट है। यहाँ पर घायलों के पड़ोसी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अजय कुमार है। आप वहीं रहते हैं? हाँ मैं उनका लड़का ही हूँ। मैं उनका, अच्छा लड़का ही है। आपने क्या देखा वहाँ पे? मैं सर वहाँ देखा उन, वो आके पीट रहे थे उनको, हमने जब तक हम पहुँचे वो वहाँ से भाग गए थे, बचाने की कोशिश की हमने। आपने बचाने की कोशिश की हम, जब तक वो वहाँ से भाग गए। कितने लोग थे करीब? वो करीब सर 12 लोग थे। 12 लोग, इनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वहीं रहते हैं? नहीं मैं रहता हूँ संजय कॉलोनी। आपने भी देखा लड़ाई? मैं, मेरे पास फोन गया। अच्छा फोन गया, मेरे पास फोन गया कि जल्दी आ जाओ, हमारे सर फट फोड़ दिए हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए सर आप कौन है? सर मैं इनका लड़का ही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने क्या देखा? मैंने सर देखा कि ये 10-12 लोग आए, मेरे पापा और भाई जा रहे थे बाइक पे, बाइक रुकवाई, हेलमेट उतारा, डंडा मारा, डंडा मारने के बाद में फिर दोनों नीचे गिराए और 12 को हाथ में हॉकी थी। अच्छा, हॉकी मारने के बाद में इन्होंने कम से कम 10 मिनट के लिए कुटाई की, वहाँ पे कुछ बंदों ने बचाया, बचाने के बाद वहाँ खून पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, खून पड़े होने के बाद हम चौकी गए, चौकी में आधे घंटे से ज्यादा वहाँ बंदे पड़े रहे हमारे, पर कोई सुनवाई नहीं की। बहुत बुरी तरह से मारा पीटा इन दोनों को। और टांके आए सर, कोने में फ्रैक्चर है। तो हमने देखा सर आपका क्या? सर मैंने देखा सर, मेरा नाम मोहन सिंह है। अच्छा, उनको सब मार पीट करी है और घर पे आके हल्ला भी करा है, और उन्होंने रात ये भी बोल दिया कि अब तूने तो हमारे बंदे बंद करा दिए, हम तो सुबह देखेंगे। अच्छा, धमकी दिया और सुबह उन्होंने ड्रामा कर ही दिया। रास्ते में जा रहे हैं, इनको बाइक पकड़े साहब, 20 बंदे थे कम से कम, 20 में डंडे थे, मार पीट करके भग गए वो, ये लोग खाली थे बस। नहीं वो पुलिस में शिकायत के बाद दोबारा हमला किया थे, क्या उनको पुलिस का डर नहीं है? नहीं जी डर नहीं, उन्होंने बोल दिया अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमें तुझे करना जो कर लियो बस, अब तो हम तेरे हाथ में हैं। अच्छा, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता? कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका अब हम तेरे को देखेंगे हम। अच्छा, उनके 20 बंदे हैं। तो आपने देखा इन लोगों ने भी हमला होते हुए देखा है। अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।